140 नंबर वार्ड के उद्घाटन समारोह में उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के नेता मुबारक खान साहब, इस वार्ड के सदर बालू खंडेराव जी, हमारे बगल के तालुका के अध्यक्ष नसीम खान साहब, और जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इस वार्ड में आज ऑफिस का इफ्तिताह किया, वो हमारे भाई तुफेल खान साहब, जहांगीर भाई, शाहिद भाई, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान और इफ्तिताही प्रोग्राम में आए हुए तमाम भाइयों, बहनों और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं तुफेल खान साहब को कि आपने अपने साथियों के साथ पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और आपके आने से इस वार्ड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत मजबूत होगी, हम लोगों को पूरी तरह से यकीन है। और साथ ही साथ आज हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम दिन है, जब महाराष्ट्र की सरजमी पर पवार साहब की अगुवाई में एक ऐसी सरकार बनी जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हुई और एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत हम लोग साथ में आए और उस सरकार को बनके आज पूरे 2 साल पूरे मुकम्मल हुए हैं। पिछले 2 सालों में जैसे ही सरकार बनी, दिसंबर के महीने में काम की शुरुआत हुई है और महाराष्ट्र के लगभग किसानों का कर्ज माफ किया गया और 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके किसानों की कर्ज माफी करने का काम किया गया और सरकार अपना काम ही आगे बढ़ा रही थी कि कोविड आ गया, पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लग गया और जब लॉकडाउन लगना चाहिए था तब नहीं लगा, जब पूरे दुनिया के अंदर कोरोना चाइना से निकल के पूरे यूरोप में फैल रहा था तो दुनिया के बहुत सारे मुमालिक ने अपने अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई जहाज थे उन्हें रोक दिया, दीगर मुल्कों से आने वाले लोगों को अपने मुल्क में आने नहीं दिया। ऐसे वो तमाम मुमालिक जहां पे दीगर मुमालिक के लोगों को आने से रोका गया वहां कोरोना ज्यादा फैल नहीं पाया, लेकिन जब महाराष्ट्र की हुकूमत बोल रही थी मोदी साहब से कि इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद कर दो, ब्रिटेन से, अमेरिका से, चाइना से, यूरोप से लोग नहीं आए, आप फैसला करो, तो मोदी साहब के मंत्री बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में कोरोना आने वाला नहीं है, वो इसलिए बोल रहे थे कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम वहां अहमदाबाद में होने वाला था, चुनाव अमेरिका में था और मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार अहमदाबाद के गुजरात में करने के लिए उन्होंने कोविड के लिए दुनिया की फ्लाइट को बंद नहीं किया, नमस्ते ट्रंप खत्म हो गया और बाबा जी एक दिन रात में आ गए, बोले कल से पूरे हिंदुस्तान में जनता कर्फ्यू लगने वाला है, एक दिन कर्फ्यू लग गया, फिर एक दिन खुल गया और फिर बाबा जी आ गए टेलीविजन पे, बोले अब पूरे हिंदुस्तान में परमानेंट लॉकडाउन हो जाएगा और भक्तों को बोले कि आपको आकर रात में ताली बजाना है, थाली बजाना है और कोरोना भाग जाएगा। भक्त भी ऐसे कि ताली बजा के, ढोल नगाड़े बजा के गो कोरोना का नारा लगाने लगे, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना फैल गया। जैसा आपको मालूम है कि मुंबई ये पूरे देश की आर्थिक राजधानी है, पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं,
और इतनी बड़ी तादाद में दीगर मुल्कों से लोग यहाँ पे आए थे कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ये कोविड फैला। जब कोरोना आया तो महाराष्ट्र में टेस्टिंग करने के लिए 1 लाख लिबर्टी थी, लॉकडाउन लगा तो बेचारे जो गरीब थे, मजदूर थे, उनके खाने का सवाल पैदा हो गया। लेकिन महाराष्ट्र की हुकूमत ने फैसला किया कि जो मजदूर है, गरीब है, जिसके घर में राशन नहीं है, उसे 3 टाइम पका हुआ खाना देंगे। और कई लोगों को, लाखों लोगों को खाना खिलाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया और लोगों ने देखने का काम किया। जब तक लॉकडाउन चला तब तक गरीबों को हम लोगों ने खाना खिलाने का काम किया, मुफ्त में राशन देने का काम किया, सरकार की तरफ से, एनजीओ की तरफ से बहुत सारी चीजें बांटी गई। तुफैल भाई ने भी बांटा होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथियों ने भी बांटा होगा। लेकिन कोविड जब फैला तो आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क के अंदर, गुजरात के अंदर अस्पताल में भर्ती करने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा था। मध्य प्रदेश में वही हाल, दिल्ली का वही हाल, उत्तर प्रदेश का वही हाल, लोग अस्पताल में एडमिट नहीं हो पाए और लोगों ने सड़कों पे अपने दम तोड़ने का काम किया। कोविड के पेशेंट की तादाद बढ़ने लगी, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, अस्पताल छोड़ छोड़ के नोएडा में हमने देखा कि डॉक्टर भाग गए, लोग वहां पे 40-40, 50-50 लोगों की मौतें हो गई। उत्तर प्रदेश में तो यह हाल हो गया कि गांव में लोग मरने लगे, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, लोगों ने नदियों में लाशों को बहाने का काम किया, गंगा के किनारे लोगों को दफन कर देने का काम किया। चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पे ऑक्सीजन और इलाज के बिना लोग मरे, मौत बरहक है, मौत आ सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि मुझे अस्पताल में जगह नहीं मिली या ऑक्सीजन नहीं मिला इसकी वजह से मौत हुई हो, ऐसा एक भी मामला महाराष्ट्र में नहीं हुआ। 65 लाख लोगों का इलाज हम लोगों ने किया। जो कोविड से लोगों की मौतें हो गई थी, उनकी बेवाओं को, उनके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी सरकार लेने का काम किया। और परसों ही सरकार ने फैसला किया है कि जिन लोगों की अमवात हुई है, कोविड से मौत हुई है, उन लोगों को 50,000 रुपया हर घर को देने का काम करेगी सरकार। यह भी फैसला लेने का काम सरकार के माध्यम से हम लोगों ने करने का काम किया। पिछले 2 सालों में तूफान आई, बारिश आई, बाढ़ आई, 11,700 करोड़ रुपया लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया गया। किसानों की फसलें नुकसान हो गई, उसे मदद पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा, हिंदुस्तान में पूरी तरह से कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, सरकारी तिजोरी में पैसा नहीं, लेकिन कोई भी सरकारी नौकर को तनख्वाह ना मिले, ऐसे हालात हमने नहीं पैदा होने दिए। तरक्याती काम हमने नहीं रोकने का काम किया। जो जिला नियोजन का कार्यक्रम होता है उसमें सारे काम होते गए और पूरी तरह से महाराष्ट्र में अमन और शांति कायम रखकर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को नाकाम करने का हम लोगों ने काम करने का काम किया। लेकिन बीजेपी के पास आखिरी हथियार होता है। जब सुशांत सिंह का आत्महत्या हो गई, बोले सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की, मर्डर हो गया। बोले ड्रग पिलाकर इसको मार डाला। फिर बुलाओ सिनेमा वालों को, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, वसूली का धंधा चालू करो। इस तरह के हालात बना के महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन महाराष्ट्र की आवाम ने पूरी तरह से सरकार का साथ देने का काम किया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस महाराष्ट्र की सरजमी पर उगाही करने का काम कर रहे थे, हम लोगों ने उनका भंडा फोड़ करने का काम इस महाराष्ट्र की सरजमी को करने का काम किया। फिल्म वालों से वसूली करेंगे, कारोबारी लोगों से वसूली करेंगे, कहीं एनसीबी वसूली करने का काम करेगी, कहीं ईडी के लोग जाकर लोगों को डराएंगे, पैसा वसूल करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम ये सारे जो उनकी एजेंसी है, जिसका डर दिखाकर लोगों को तोड़ा जाता है, सरकारें गिराई जाती है, उन्हें लग रहा था कि महाराष्ट्र में भी नेताओं को डराएंगे,
लेकिन महाराष्ट्र का एक भी नेता डरने वाला नहीं। तुम्हारी ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, एनसीबी हो, हम पूरी तरह से उनका भंडाफोड़ करने का काम आने वाले दिनों में करने का काम करेंगे। महाराष्ट्र की सरजमी में तीनों पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की सरजमी वो है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महाराजा रहे, जिन्होंने दिल्ली के सामने कभी भी घुटने टेकने का काम नहीं किया। महाराज कभी दिल्ली के सामने झुकने वाला नहीं है। हम लोग पूरी ताकत से खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सफाया इस महाराज की सरजमी से तो करेंगे और पूरे मुल्क से मोदी की सरकार को उखड़ फेंकने का काम आने वाले दिनों में देश में हम करने का काम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को हराने के लिए पूरी ताकत से खड़े होंगे। फिरकापरस्त ताकतों को हराया जाए, यह हमारा पूरा मंसूबा है और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोगों का साथ देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि जहाज डूबने वाला है तो पहले चूहे निकल के भाग जाते हैं। कुछ चूहे भाग गए लेकिन जहाज फिर तैर रहा है और शान के साथ आगे बढ़ रहा है। दो चार चूहे भाग गए, उनको लग रहा था कि नवाब मलिक को चूहे हरा देंगे। अरे हम शेर के मुंह में हाथ डालकर हिसाब करने वाले लोग हैं, चूहे हम लोगों को हरा नहीं सकते। हम लोग पूरी ताकत से आपके साथ हैं। जो भी यहाँ पे काम चल रहा है, आप लोगों की मेहनत से आपने जिताया, मुझे मिनिस्टर बनाने का काम किया। पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, पूरी पार्टी की जिम्मेदारी और बीजेपी से लोहा लेने की भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने देने का काम किया, तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपना पूरा काम निभाने का काम कर रहा हूँ, लेकिन आपके जो भी लोकल मसाइल हैं, हमारे सभी साथी उसे हल करने का काम कर रहे हैं। मेरी बेटी है सना, वो भी पूरी तरह से जो भी काम आपके हैं, मसाइल हैं, चाहे वो महानगर पालिका से हो, सरकार से हो, रेलवे से हो, हम लोग सभी लोगों के मसाइल पूरी तरह से हल करने का काम करेंगे। और आज यहाँ पे दफ्तर खोला गया है, मैं तो आकर देखा दो दो चमकदार दफ्तर है। असली चमक किधर है वो लोगों को पता है। कितना भी पानी चढ़ा लेने से पीतल सोना नहीं होता, सोना सोना होता है, ये लोगों को समझ में आता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस ऑफिस से, चाहे तुफेल भाई हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी इस वार्ड के नेता हो, हमारे वार्ड अध्यक्ष बाड़ू खंडेराव साहेब हो, सभी वार्ड के हमारी फरजाना बहन महिला अध्यक्ष वो हो, हमारे घाची रियाज घाची साहब है इधर, ये भी खड़े हैं, सभी लोगों ने मिलकर इस इलाके के लोगों के जो भी मसाइल होंगे इंशाअल्लाह पूरी मेहनत से दिल से हम हल करने का काम करेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ तुफेल भाई और उनके साथियों का कि आप लोगों ने यहाँ एक ऑफिस बनाया जहाँ पे लोग बैठकर अच्छी तरह से काम करेंगे, इसलिए आपको मुबारकबाद देके अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अभी जनाब नवाब मलिक साहब से इतनी इंतजार करूंगा कि ये दाएं साइड 80 से 90 झोपड़े जो कि डिमोलिशन में जाने वाले हैं, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि